हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति का परिचय। और देखिए आज इसमें क्या नया सीखने को हमें मिलता है। तो जो जो मैं आपको फॉर्मूले बताती जाऊं, आप वो ज़रूर कॉपी में नोट करें और उनको याद ज़रूर करते रहें ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको निकालने में आसानी हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, त्रिकोणमिति अनुपातों साइने कोसे टेने को कोट ए में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इन सवालों को हम। आपको मैं आइडेंटिटीज लिखवा रही हूँ, कुछ पहले आप वो नोट करें। साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इक्वल होता है 1 के। सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इक्वल होता है 1 के। कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए इक्वल है 1 के। साइन ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट ए। कोस ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंट ए। टेन ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट ए। या आप टेन ए को लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं साइन अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए। क्लियर? आपको एंगल्स के बारे में हमने लास्ट टाइम बता दिया था, प्रीवियस वीडियो में। आपको बेसिक की वीडियो भी दे दी गई है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन दिया गया है, आप आई बटन में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आप वापस से देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो, वहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले मिलेंगे। देखिए अब आपसे बोला गया है कि आपको साइन ए को कोट ए में व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। साइन ए इसको हम लिख सकते हैं रूट साइन स्क्वेयर ए। अब देखिए पहले फॉर्मूले से मैं इसको 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए लिख दूं तो साइन स्क्वेयर ए आएगा ये। या फिर आप चाहें तो साइन स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वेयर ए, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जिससे भी आपको आसान लगे। देखिए कोसिकेंट जो है, फिर हम ये जो तीसरा फॉर्मूला है अगर वो लगाएंगे तो सीधा कोट में आ जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वेयर ए का। तो वर्गमूल 1 अपॉन, देखिए इससे कोसिकेंट स्क्वेयर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कोट स्क्वेयर ए। किसको? कोसिकेंट स्क्वेयर ए, ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। तो हमने क्या किया, कोसिकेंट को 1 प्लस कोट स्क्वेयर रखा। तो यहाँ से आपका, आपको बोला गया था कि साइन को आपको कोट में व्यक्त करना था, तो देखिए हमने कोट में इसको व्यक्त कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको कोस ए को दिखाना है। तो देखिए कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए को हम लिख सकते हैं वर्गमूल कोस स्क्वेयर ए। कोस स्क्वेयर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया, कोस स्क्वेयर ए होता है, पहला फॉर्मूला लगाया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, लिख सकते हैं। साइन को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वेयर ए लिख सकते हैं हम। और कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट होता है 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। ये अभी हमने पीछे देखा है फर्स्ट वाले में, देखो यहाँ पर मैंने लिखा था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा, ऊपर क्या आया कोट स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोट ए अपॉन में रूट 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए का रूट लिख सकते हैं हम इसको। देखिए कोस ए की वैल्यू जो है कोट में आती है, कोट ए अपॉन में रूट 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। अब आपको तीसरा बोला गया है टेन ए, टेन ए को आपको कोट में व्यक्त करना है। तो टेन ए को कोट में हम कैसे व्यक्त करेंगे देख लेते हैं। टेन ए को
हम कोट में लिखेंगे टेन ए, तीसरा जो इसका पार्ट है इसको कोट में लिखना है आपको। तो टेन ए मैंने आपको बताया था होता है वन अपॉन कोट ए, तो ये सीधा ही बन गया है, तो यहाँ आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ आप रीजन दे सकते हैं कि टेन ए जो है वो किसके बराबर होता है, एक बटे कोट ए के। सेकंड करते हैं, सीकेंट ए के पदों में व्यक्त करना है किसको, सबसे पहले साइन ए को हम व्यक्त करेंगे। तो देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वर्गमूल साइन स्क्वेयर ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं हम, वन माइनस कॉस स्क्वेयर ए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर ए जो है वो किसके बराबर होता है, एक के। तो यहाँ से हमने साइन स्क्वेयर निकाल लिया, ठीक है। अब कॉस स्क्वेयर को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे वन अपॉन में सीकेंट स्क्वेयर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉस ए होता है वो किसके बराबर होता है, वन अपॉन सीकेंट ए के। यहाँ से आपने एलसीएम लिया तो ये आया सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन अपॉन में सीकेंट स्क्वेयर ए। इसको हम सॉल्व करें तो ये होगा सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन का रूट, अपॉन में स्क्वेयर था तो वो हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इसलिए नीचे आ गया सीकेंट ए। क्लियर। नेक्स्ट है कॉस ए को आपको सीकेंट में दिखाना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, कॉस ए जो है वो होता है वन अपॉन सीकेंट ए। क्यों, क्योंकि कॉस का मान ही अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो वो सीकेंट में हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको यहाँ दिखाना है टेन ए, टेन ए को आप लिख सकते हैं रूट में टेन स्क्वेयर ए। और आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस में टेन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, वन के। तो यहाँ से टेन स्क्वेयर निकालिए और वर्गमूल में पुट करिए, तो ये बनता है सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस में वन। क्लियर। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट है कोसिकेंट ए, तो देखिए कोसिकेंट को आप क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं वर्गमूल कोसिकेंट का स्क्वेयर ए लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं वन प्लस कोट स्क्वेयर ए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, एक के। अब आप इसको फिर से चेंज कर दें, वन प्लस में कोट स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टेन स्क्वेयर ए। रीजन दे दीजिए, कोट ए किसके बराबर होता है, वन अपॉन टेन ए के। अब हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा था कि टेन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस में वन के। लिख सकते हैं आप, क्योंकि सीकेंट स्क्वेयर ए बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वेयर ए। यहाँ से हमने इसको रखा, अब एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए इसको, तो ये बनेगा आपके पास वर्गमूल सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन प्लस वन अपॉन में वन सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन। तो ये आता है सीकेंट ए अपॉन में वर्गमूल सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस में वन, ठीक है। नेक्स्ट है कोट ए, देखिए कोट ए को आप क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल कोट स्क्वेयर ए लिख सकते हैं हम ऐसा। कोट को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन स्क्वेयर ए। कोट स्क्वेयर को हम ये लिख सकते हैं, रीजन आप दे देंगे कि कोट किसके बराबर होता है, वन अपॉन टेन के। और टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वेयर को, ये अभी मैंने आपको बताया था, वन अपॉन में सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस में वन। तो ये आप इसका रीजन दे दें, क्योंकि सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस में टेन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, वन के।
तो यहाँ से आपके पास आता है वन अपॉन रूट सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस में एक। क्लियर है? इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट है साइन स्क्वेयर 63। देखिए आपको बता देते हैं, साइन अगर 90 में से हम कुछ भी माइनस करते हैं तो साइन बदल जाता है कोस में, और साथ में जो भी एंगल है थीटा वो वैसे का वैसा आ जाता है। अगर कोस 90 माइनस में लिखते हैं आप, तो वहाँ पर आप लिखते हैं साइन थीटा। कोस साइन में बदलता है और साइन कोस में, अगर 90 दिया हुआ है तो। ठीक है, अब इसी की मदद से मैं आपको सवाल करवाऊँगी। देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आपके पास है 27 है, तो क्या मैं इसको साइन स्क्वेयर 90 डिग्री माइनस में 63 डिग्री लिख दूँ? 27 बचेगा आपका। इसी तरह नीचे कोस स्क्वेयर है 17 को क्या मैं 90 माइनस में 73 डिग्री लिख दूं? प्लस में कोस स्क्वेयर 73 डिग्री। अब देखिए जिसको भी आपने 90 माइनस लिखा है तो देखिए साइन किस में बदलता है? कोस में। तो ये हो गया कोस स्क्वेयर 63 डिग्री अपॉन में ये बनेगा आपका कोस जो है 90 पे किस में बदलता है? साइन में। तो साइन स्क्वेयर 73 डिग्री प्लस में कोस स्क्वेयर 73 डिग्री। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था जिसके अंदर आपको बताया था कि आपको साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए हो, यानी कि एंगल दोनों में इक्वल हो, तो आप क्या लिखते हैं? इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/1, तो ये आता है उत्तर 1। नेक्स्ट है साइन 25 डिग्री। देखिए साइन 25 क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ? साइन 90 माइनस में 65 लिख सकती हूँ इसको, ये है कोस 65 डिग्री। प्लस में कोस 25 को क्या मैं 90 माइनस में 65 लिख दूं? साथ में है साइन 65 डिग्री। तो देखिए साइन किस में बदल जाता है? कोस में। कोस 65 डिग्री, फिर है कोस 65 डिग्री, प्लस में कोस बदलता है साइन में, तो साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। आप यहाँ लिख देंगे कारण में कि कोस 90 माइनस में थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। तो यहाँ से मिला कोस स्क्वेयर 65 डिग्री प्लस में साइन स्क्वेयर 65 डिग्री। तो आपको फॉर्मूला बताया था कोस स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर ए जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो ये जो आंसर आया है वो आता है इक्वल टू 1। जब एंगल दोनों बराबर हैं तो आपका 1 के इक्वल आप रखते हैं। नेक्स्ट है देखिए एमसीक्यू है, आपको 4 चॉइस दिए गए हैं, आपको बताना है कि उत्तर कौन सा सही है। तो आपको मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस में टेन स्क्वेयर ए। देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप इसको ए एंगल करेंगे, जब दोनों एंगल सेम हो तो ही फॉर्मूला लगेगा टेन स्क्वेयर ए। तो यहाँ पर आपको बताया था सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस में टेन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है? 1 के। तो इसको मैं क्या लिख दूँ? 9 × 1, यानी कि उत्तर आएगा आपका बी। नेक्स्ट में है 1 + tan थीटा + secant थीटा। तो देखिए
यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 से किया, फिर हम कोट से कर रहे हैं, कोट थीटा प्लस में टेन थीटा कोट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा कोट थीटा। अब आप माइनस कोसिकेंट से कर रहे हैं, तो माइनस कोसिकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस में सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। गुणा करना आपको आता है, गुणा जैसे हम करते आए हैं, हर एक नंबर को दूसरे नंबर से गुणा करनी होती है। अब देखिए, आपको मैंने ये बताया था कि टेन थीटा होता है साइन बटे कोस, कोट थीटा होता है कोस बटे साइन, आपके पास सीकेंट होता है वन बटे में कोस, और कोसिकेंट होता है वन बटे में साइन। तो आप इन सभी फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, वन प्लस में साइन थीटा बटे में कोस थीटा, प्लस में वन अपॉन में कोस थीटा, प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस में एक बटे में कोस थीटा बटे में साइन थीटा, माइनस में एक बटे में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा बटे में कोस थीटा, वन बटे में साइन थीटा, माइनस में सीकेंट का होता है वन बाय कोस, और कोसिकेंट का होता है वन बाय साइन। ये हमें मिला है, देखिए यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए। अब ये आपके पास आता है वन प्लस में, देखिए साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये मैं एक साथ ले रही हूँ, प्लस में वन बाय कोस थीटा प्लस में वन, प्लस में वन बाय साइन थीटा, माइनस में वन बाय साइन थीटा, माइनस में वन बाय कोस थीटा, माइनस में वन अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। और देखिए साइन वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ये कोस वाली भी हमारी कैंसिल हो गई, वन और वन टू होता है, यहाँ पर आपने किया साइन स्क्वेयर एलसीएम लेके किया इसको सोल्व, तो ये आता है, आप ये लिख सकते हैं इसको। और देखिए आपको पीछे बताया था मैंने साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, वन, तो ये हो गया वन अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, और हमारे पास है माइनस में वन अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या निकल के आता है, टू। तो यहाँ जो आंसर मिलेगा वो होगा सी। देखो बच्चों, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको अभी फॉर्मूले अच्छे से नहीं आते, इस वजह से आपको लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से क्या लिख दिया मैडम ने। आप फॉर्मूले अच्छे से याद करना, जो भी मैंने आपको बता रखे हैं हमारी वीडियो में, आई बटन में आपको उसका लिंक दिया हुआ है, और उनको याद करने के बाद आपको किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है सीकेंट ए प्लस टेन ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए, वन माइनस साइन ए। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, वन अपॉन कोस ए प्लस में साइन अपॉन कोस ए, वन माइनस साइन ए। तो ऊपर हमारे पास एलसीएम लेने पे आया है, वन प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए इंटू में है वन माइनस साइन ए। आप सभी बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है वो इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ वन माइनस साइन स्क्वेयर ए। आप फॉर्मूला भूल भी जाएं तो चिंता की बात नहीं है, आप क्या करेंगे सीधा आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला एक और बताया था कि कोस स्क्वेयर ए जो है, कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, वन का। तो वन माइनस साइन स्क्वेयर किसके बराबर होगा, कोस स्क्वेयर के। तो देखिए यहाँ से एक कोस कैंसिल हो गया तो ऊपर बचता है कोस ए, तो यहाँ जो उत्तर आता है आपका वो उत्तर होगा
डी। नेक्स्ट है वन प्लस में टेन स्क्वेयर ए। देखो टेन स्क्वेयर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोट स्क्वेयर ए अपॉन में वन प्लस कोट स्क्वेयर ए। अब हम ऊपर एलसीएम लें तो क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वेयर ए प्लस वन अपॉन में कोट स्क्वेयर ए, और नीचे है कोट स्क्वेयर ए प्लस में वन। देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, क्या बचा वन अपॉन कोट स्क्वेयर ए, और वन अपॉन कोट मैंने क्या बताया था आपको, टेन होता है, पावर टू थी तो ऊपर भी पावर टू रहने वाली है, तो इसका जो उत्तर है वो आएगा डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वेयर, तो देखते हैं क्या होगा। ये आपको अब लेफ्ट और राइट इक्वल करनी है, ठीक है, तो मैं दायां पक्ष बायां पक्ष लेके चल रही हूँ लेफ्ट साइड, जो कि है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वेयर। तो देखिए आपको कोस में निकालना है इसको, तो सबसे पहले मैं इसको साइन, और कोसिकेंट होता है वन अपॉन साइन और कोट होता है कोस बटे साइन। एलसीएम लीजिए इसका तो क्या मिलता है हमें, वन माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका वर्ग। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस थीटा का वर्ग अपॉन में साइन स्क्वेयर थीटा। अब आपको ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि कोस स्क्वेयर ए थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, वन के। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। अब आपको ये फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इस फॉर्मूले से इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस थीटा का वर्ग बटे में वन माइनस कोस थीटा इंटू में वन प्लस कोस थीटा। देखिए ये आपका कैंसिल, तो ये बचता है वन माइनस कोस थीटा अपॉन में वन प्लस कोस थीटा, जो कि किसके बराबर आ रहा है, दाएं पक्ष के बराबर है, ठीक है। आपको ये यहाँ पे दिखाना था कि आप एक साइड लेके चले तो दूसरी साइड आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए इसमें भी हम बायां पक्ष लेके चल रहे हैं, कोस ए बटे में वन प्लस साइन ए प्लस में वन प्लस साइन ए बटे में कोस ए। क्या हम एलसीएम लेके सॉल्व कर ले इसको, देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोस ए इंटू में वन प्लस साइन ए, तो ये बनेगा कोस स्क्वेयर ए प्लस में वन प्लस साइन ए का वर्ग। इसको ओपन करके लिखिए क्या आएगा हमारे पास, ये हम लिख सकते हैं इसको, बटे में कोस ए इंटू वन प्लस साइन ए। देखो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि कोस स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, यस वन के बराबर होता है। तो आप नेक्स्ट लाइन में इसको क्या करेंगे, वन के इक्वल रख देंगे ब्रैकेट को, तो ये हमारे पास आता है देखिए, वन प्लस वन प्लस टू साइन ए अपॉन में कोस ए इंटू में वन प्लस साइन ए। टू अगर हम कॉमन लें तो ये ऊपर बनेगा वन प्लस साइन ए बटे में कोस ए वन प्लस साइन ए, ये हमारा कैंसिल, दो बटे कोस, और कोस जो होता है वह एक बटे कोस होता है सीकेंट, जो भी एंगल दे रखा है ए वो लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये कौन सी साइड है हमारी, दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, एक के, तो हमने एक के बराबर लिखा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक बटे कोस ए किसके बराबर होता है, सीकेंट ए के, ठीक है। जहाँ पर भी आप जो यूज़ करें आप लिख दें वहाँ पर। नेक्स्ट है
आपके पास नेक्स्ट है इसमें 10 अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखिए इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस में 1 अपॉन टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। तो देखिए यहाँ से क्या मिला आपको, टेन थीटा बटे में टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा प्लस में 1 अपॉन टेन थीटा इंटू में 1 माइनस टेन थीटा। ये देखिए टेन अगर आप ऊपर लेके जाते हैं तो बनेगा टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, लिख सकते हैं इतना। अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। देखो बच्चों एलसीएम यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा आपके पास टेन थीटा, टेन थीटा माइनस 1, तो ये आ गया टेन क्यूब थीटा माइनस में, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 1 माइनस टेन था और हमने क्या लिया है टेन थीटा माइनस 1, तो इसलिए माइनस कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो माइनस का 1 लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला किया था a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, क्या लिखते थे इसको हम, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में ए बी। तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, टेन थीटा माइनस 1 टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 प्लस में टेन थीटा बटे में टेन थीटा माइनस 1। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल कर देते हैं, ये आपके पास बचा टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा। इसको हम अलग अलग कर लें तो देखो क्या मिलता है हमें, ये आपके पास आने वाला है टेन स्क्वेयर थीटा बटे में टेन थीटा प्लस में 1 अपॉन टेन थीटा प्लस में टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा। तो क्या मिला आपको यहाँ से, टेन थीटा प्लस में 1 अपॉन टेन होता है कोट थीटा प्लस में 1, ये बनेगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस में कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस में 1। तो ये आपने एलसीएम लिया तो बना कोस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा प्लस में 1। अब आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, देखिए थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं अब आपके पास ये बना 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1। देखिए 1 अपॉन साइन थीटा अलग ले लेते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा इंटू में प्लस में 1। 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट थीटा और 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट थीटा प्लस में 1। तो आप देख सकते हैं अब जो आपको प्रूव करना था दायां पक्ष वो आपके पास आ गया है, ठीक है। आप लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि 1 बटे साइन बराबर होता है कोसिकेंट के और 1 बटे कोस बराबर होता है बेटा सीकेंट के, ठीक है, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, चलिए देखते हैं, दोनों में से आप कोई सी भी साइड ले सकते हैं जो आपको आसान लगे। साइन स्क्वेयर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए।
आप बता सकते हैं कहाँ से लेके आए हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक के। तो यहाँ से हमने लिखा है, अब इसको हम ब्रेक कर लें। ये बनता है वन माइनस कोस ए इंटू में है वन प्लस कोस ए बटे में वन माइनस कोस ए। लिख दें इसको ऐसा, कैंसिल कर दें। ये हमने किससे लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, जो कि होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास मिला वन प्लस कोस ए। कोस ए को अगर मैं सीकेंट में लिखना चाहूँ तो किसके बराबर होता है, एक बटे सीकेंट ए के। ठीक है ना, जो हमें दायां पक्ष दे रखा वो सीकेंट में है, तो मैं इसको सीकेंट में बदल रही हूँ बेटा। अब ये जो आया है इसमें आप एलसीएम लीजिए, तो ये बना सीकेंट ए प्लस वन अपॉन सीकेंट ए। तो देखिए क्या ये हमारा बायां पक्ष आ गया है, यही दिखाना था हमें, वन प्लस सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए। तो ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ में बोला गया है कि आपको सरसमी का कोसिकेंट स्क्वेयर ए जो है वन प्लस कोट स्क्वेयर ए होती है, इसको लागू करके आपको लेफ्ट और राइट आपको इक्वल करनी है। चलिए देखते हैं इसी का इस्तेमाल करेंगे अगर कहा गया है तो देख लेते हैं इसका हल क्या होगा। कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस में वन। हम ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड कर देते हैं, कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन में साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, देखो कोस बटे साइन होता है कोट ए, माइनस में साइन बटे साइन वन हो गया, वन अपॉन साइन क्या होता है कोसिकेंट ए। इसी तरह अपॉन वाली टर्म देखें, कोस बटे साइन होता है कोट, साइन बटे साइन वन, माइनस में वन बाय साइन होता है कोसिकेंट ए। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए जो वन होता है उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ से कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, माइनस वन था, वन को मैं लिख सकती हूँ कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस में कोट स्क्वेयर ए। जो सरसमी का हमें दी हुई थी मैं कोट स्क्वेयर इधर लेके आई तो वो माइनस का बन गया, ठीक है ना। कोट ए प्लस वन माइनस में कोसिकेंट ए, आप फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, ये बनेगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस में कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इंटू में कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को आप ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस में वन, लिख सकते हैं। अब हम कॉमन ले लेते हैं, कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए अगर मैं कॉमन लूँ तो किसके बराबर आएगा, वन माइनस में कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए के बराबर। ये अंदर बचता है हमारा, अपॉन में कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस में वन। देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई और यहाँ आता है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है। यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना था, ठीक है ना, आपकी राइट साइड यही बन रही थी, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, आपके पास है रूट, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं। देखिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, देखिए आपको दिया हुआ है रूट में वन प्लस साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन ए। तो क्यों ना हम इसको हर का परमेयीकरण कर दें। हमने लिखा वन प्लस साइन ए से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया,
तो ऊपर जो वैल्यू आई कितनी आ गई वर्गमूल में, 1 प्लस साइन ए का वर्ग, और नीचे आया है 1 माइनस साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। तो क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए लिख दूं? देखिए ऊपर वाला स्क्वेयर में है तो वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे वाला क्या बनेगा वर्गमूल में कोस स्क्वेयर ए। क्यों? क्योंकि कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए जो है किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ से ही आया 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए। दोनों को अलग अलग लिखिए क्या आता है, 1 बाई कोस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए। तो 1 बाई कोस तो होता है सीकेंट ए, और साइन बटे कोस होता है टेन ए। आप रीजन में दे सकते हैं कोस ए होता है 1 बाय सीकेंट, और साइन ए बटे कोस ए होता है 10। तो यहाँ से हमने लिखा तो ये आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आपके पास है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा। देखो बेटा क्या मैं यहाँ से ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लूँ तो ऊपर बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, और नीचे से मैं कॉमन ले रही हूँ कोस थीटा, तो नीचे बना 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में 1। लिख दे, चलिए। तो साइन बटे कोस क्या होता है टेन थीटा, ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। देखो मैंने साइन बटे कोस को 10 लिख दिया, अपॉन में 2 कोस को क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस का 1। तो नीचे वाली टर्म को सोल्व करें तो ये मिलेगा हमें 2 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस का 1। तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर थीटा। कैंसिल हो गई ये टर्म, ये बना टेन थीटा। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वेयर प्लस में कोस ए प्लस में सीकेंट ए का स्क्वेयर। तो स्क्वेयर खोल लें हम इसका, तो होगा साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोसिकेंट स्क्वेयर ए प्लस में 2 साइन ए कोसिकेंट ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए प्लस में सीकेंट स्क्वेयर ए प्लस में 2 कोस ए सीकेंट ए। तो देखिए साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए हम एक साथ ले लेते हैं, प्लस में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वेयर ए प्लस में 2 साइन ए, कोसिकेंट को होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस में सीकेंट स्क्वेयर ए प्लस में 2 कोस ए 1 अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर होता है 1, सो 1 प्लस 2 प्लस 2 ये हमने एक साथ लिया। देखिए कोसिकेंट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोट। तो कोसिकेंट का वैल्यू क्या होती है 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। इसी तरह सीकेंट नहीं चाहिए हमें, टेन चाहिए तो वो बनता है 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि सीकेंट स्क्वेयर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए के। इसी तरह कोसिकेंट स्क्वेयर ए जो है वो बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए के। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर 5, 6, 7 प्लस
कोट स्क्वेयर ए प्लस में टेन स्क्वेयर ए, यही आपके पास राइट हैंड साइड थी, यही आपको सिद्ध करना था, क्लियर। चलिए आप ये ध्यान रखें कि आपके पास साइड में क्या दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें। नेक्स्ट है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू में सीकेंट ए माइनस में कोस ए। देखिए कोसिकेंट होता है वन अपॉन साइन ए, कोसिकेंट होता है वन अपॉन कोस ए, तो हमने इसको ऐसा लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, ये बना वन माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन में साइन ए और ये बना वन माइनस कोस स्क्वेयर ए अपॉन में कोस ए। अब देखिए आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कोस स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर ए इक्वल होता है वन के, तो यहाँ से वन माइनस साइन स्क्वेयर किसके बराबर आया, कोस स्क्वेयर के, और वन माइनस कोस स्क्वेयर किसके आया, साइन स्क्वेयर के, लिख सकते हैं। तो ये बनेगा आपका साइन ए कोस ए। लेकिन अभी आपको देखिए जो प्रूव करना है वो तो किस में है, टेन ए कोट ए में। तो देखिए क्या मैं वन के प्लेस पे ये लिख सकती हूँ, वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए, लिख सकते हैं। ऊपर नीचे मैं साइन ए कोस ए से डिवाइड कर देती हूँ तो देखते हैं क्या मिलता है हमें, साइन स्क्वेयर ए साइन ए कोस ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए साइन ए कोस ए। तो देखिए बेटा क्या मिलता है, यहाँ से ऊपर तो बना वन, नीचे आया साइन बटे कोस जो कि होता है टेन ए और प्लस में कोस ए बटे में साइन जो कि होता है कोट ए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बनता है राइट हैंड साइड, ठीक है ना, यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे लास्ट है आपके पास, यहाँ पर आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम इसकी, वन प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में वन प्लस कोट स्क्वेयर ए। सीधा हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बनता है सीकेंट स्क्वेयर ए का और नीचे है ये है कोसिकेंट स्क्वेयर ए। सीकेंट स्क्वेयर को आप लिख सकते हैं वन अपॉन कोस स्क्वेयर ए और कोसिकेंट को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वेयर ए। तो देखिए नीचे बना आपका कोस बटे साइन यानी कि कोट स्क्वेयर ए, वन अपॉन कोट होता है टेन स्क्वेयर ए, ठीक है। अब आपके पास एक और भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ ये तो लेफ्ट जो है वो राइट के इक्वल आ गया आपका, आपको इसका सेकंड भी पार्ट दिया हुआ है कि आपके पास 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए का स्क्वेयर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस वन अपॉन टेन ए, क्योंकि कोट ए होता है 1 अपॉन टेन ए। एलसीएम लेके सोल्व कीजिए, देखिए टेन ए ऊपर आ गया 1 माइनस टेन ए और नीचे बना टेन ए माइनस वन इसका स्क्वेयर। माइनस अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ इसको, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपकी वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ से आया माइनस टेन ए का स्क्वेयर और ये बना टेन स्क्वेयर ए, क्लियर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। ये थे आपके क्वेश्चंस 8.4 के, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप जितने भी फॉर्मूले कराए गए हैं वो सभी अच्छे से करें और आई बटन में आप इनका फॉर्मूला जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आप वो भी देख सकते हैं, वहाँ पे आप फॉर्मूले नोट करें और उसके बाद सभी फॉर्मूलों को आप लर्न कर लेंगे। उस फिर उसके बाद आप जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को करना आसान होगा, बस प्रैक्टिस करते रहें और आपको सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।